आज के कार्यक्रम में इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर कॉन्रेड के समाधि भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर श्री रामेश्वर तेली जी, मेघालय विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नेटवा लिंगो जी, मेघालय सरकार में गृहमंत्री डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अफेयर्स के मंत्री लक्ष्मण रिमूजी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा में हमारे साथी डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार जी, सीलाल रोशंगा जी, भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री राजन गोगे जी, मेघालय और उत्तर पूर्व राज्य के स्थानीय निकायों के प्रतिष्ठित सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय के सुंदर नगर शिलांग में उत्तर पूर्व राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यगण को आज पहली बार आयोजित इस आउटरीच प्रोग्राम में सम्मिलित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज हमारे यहां इस कार्यक्रम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्यों के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लोकल बॉडीज के सदस्य, पंचायत के प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नॉर्थ ईस्ट भारत के अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और आतिथ्य के लिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। मेघालय विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला प्रदेश और फुटबॉल के क्षेत्र में देशभर के खिलाड़ियों को की प्रतिभाओं को तैयार करने वाला प्रदेश है। आज हम यहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली लोकल बॉडी संस्थाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाने के लिए चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। पिछले महीने देहरादून में उत्तराखंड के पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ हमारी चर्चा हुई थी। उस चर्चा के दौरान मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारी संस्थाओं की फंक्शनिंग इस तरह की होना चाहिए ताकि हम कार्यपालिका को ठीक से जवाबदेही बना सकें, क्योंकि अगर कार्यपालिका की जवाबदेही हम निचले स्तर पर सुनिश्चित करेंगे तो हम जनता को अधिक परिणाम दे पाएंगे। साथियों, आज का कार्यक्रम भी पंचायत राज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को सशक्तिकरण करने का है। यह आज सामायिक भी है और आज प्रासंगिक भी है। देश का हर क्षेत्र को अधिकतम विकास के अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए हमारे संविधान में विशेष उपबंध किए हैं। उत्तर पूर्व भौगोलिक, सामाजिक
और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के मनीषियों ने संविधान की छठी अनुसूची के इन राज्यों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसे प्रावधान किए गए। इनका उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के जनजाति समुदाय के अधिकारों का संरक्षण, निर्णय प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी और स्थानीय प्रशासन के उनकी परंपराओं के अनुसार काम करने के लिए इनको शामिल किया गया था। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की आज इस क्षेत्र में अहम भूमिका है। उनके सदस्य अपने क्षेत्र के स्ट्रेंथ की पूरी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और इस स्ट्रेंथ को हम अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस तरीके से वहां की स्थानीय आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को बनाने में हमारी सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक्टी ईस्ट पॉलिसी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत बड़ी संभावनाओं के द्वार खोले हैं। हमें संभावनाओं के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए ताकि इस पॉलिसी के तहत हम अधिकतम जनता का कल्याण कर सके। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र विकास दोनों का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के लिए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक फ्रेमवर्क भी देता है। ये सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जिसके माध्यम से नागरिकों को अपने क्षेत्र में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण इसी राज्य में ईस्ट खासी हिल्स के मालिनोम गांव में, जो भारत का सबसे स्वच्छ गांव है, उसको बनाने में अगर योगदान है तो स्थानीय निकाय का है, आप सबका है। और ये तभी संभव हो सकता है जब स्थानीय निकाय मजबूत हो, सशक्त हो और जवाबदेह हो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। वे ग्रामीण स्वशासन और ग्राम उद्योग से राष्ट्र उदय में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक ग्राम आत्मनिर्भर बने। आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसी दिशा में कि भारत आत्मनिर्भर बने उसका एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम भी इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि देश का हर गांव आत्मनिर्भर बने, देश का हर शहर आत्मनिर्भर बने, ताकि हम आत्मनिर्भर के माध्यम से भारत को सशक्त और मजबूत कर सके। उत्तर पूर्व के गांव को मैंने अभी एक दिन पहले भी देखा, उसके पहले भी मैंने देखा। यहां की हस्तशिला, यहां की वास्तुकला, यहां की अन्य कला के माध्यम से हम सारे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमारी कोशिश हो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, स्थानीय निकाय हो, उनको किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बनाने में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यहां की हस्तकला, वास्तुकला, यहां की अन्य कला को हम देश और विदेश के अंदर एक नया बाजार दे सके। आज आवश्यकता इसी बात की है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे इलाके को हम, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्यकरण भी है, जहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां की जमीन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन जमीन है, और इसीलिए हम जिसकी कोशिश करते हैं कि फर्टिलाइजर मुक्त जमीन कहीं है तो नॉर्थ ईस्ट इलाके की है। हम इसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को, हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उसको निर्यात भी कर सके,
ये शक्ति संपन्न हो सकता है तो उत्तर पूर्व राज्य के गांव और शहर हो सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट को आज की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए हमें नए नवाचारों को करना होगा। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना होगा ताकि हम जनता को जवाबदेही बना सके, और इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए। मेरा सुझाव भी है कि हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या पंचायत राज को अधिक प्रभावी बनाना है, प्रशासन को जवाबदेही और पारदर्शी बनाना है और जनता के लिए सुलभ बनाना है, तो हमें इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा ताकि इसके माध्यम से हम करप्शन भी रोक पाएंगे और प्रशासन की जवाबदेही भी तय कर पाएंगे। साथियों, हमारे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग विविधता है, विशिष्टता है, और उसकी विशिष्टता और विविधता को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें लोकतंत्र की चर्चा संवाद का अधिकतम उपयोग करना होगा। हम बेहतर तरीके से जानते हैं हमारे क्षेत्र की समस्याओं को और उसकी समाधान को भी। हम अगर लोकतंत्र में संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम हमारी समस्याओं की भी चर्चा करेंगे और लोकतंत्र के माध्यम से उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे। आपको ध्यान है कि यहां की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगातार यहां के स्थानीय क्षेत्र के लोगों के विकास की अवधारणा और योजना बनाती है, और वह ठीक तरीके से जानती भी है वहां की आवश्यकताएं, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए भी लगातार वो कोशिश करती रहती है। और इसके लिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर पंचायत राज संस्थाओं में संवाद करें, चर्चा करें, और चर्चा संवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। देश में पंचायत राज संस्थाएं हो, इस प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, उन सब में हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना होगा। हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे कि हमारे यहां पर हम किस तरीके से बेटर सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और प्रोसीजर को बेहतर डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए लगातार हमें संवाद और चर्चा करती रहनी होगी। मैं पूर्व में भी आग्रह किया था कि हमारे गांव की और हमारे शहरों की, हमारे प्रदेशों की अलग अलग भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है। इस संपूर्ण देश को हम देखते हैं तो हमें लगता है अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग विशिष्टता, अलग अलग सांस्कृतिक विविधता इस देश के अंदर है, लेकिन उसके बाद भी हम किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र की विशिष्टताओं को, विविधताओं को समेटते हुए किस तरीके से अपने क्षेत्र की व्यापक योजना बना सकते हैं। और इसीलिए जब संपूर्ण देश की हम चर्चा करते हैं तो हमारे क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के अनुसार हम बेहतर मॉडल बनाएं। जब हम बेहतर मॉडल हमारी ग्राम पंचायतों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, हमारे गांव में बनाएंगे तो हमारे बेस्ट मॉडल, हमारी बेस्ट प्रैक्टिस हम पूरे देश के अंदर वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपना सकते हैं, और यही एक बेहतर तरीका है। हम इस देश को सशक्त, मजबूत बनाना चाहते हैं, हर गांव के अंदर अच्छे विकास की कल्पना करना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों, अनुभवों को साझा करना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट के एक गांव में अगर स्वच्छ गांव बनाए तो एक दिशा दे सकता है कि पूरे भारत के अंदर हम हर गांव को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं। इसके लिए वहां पर वहां की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने और स्थानीय लोगों ने कैसे योजना बनाई, इसका एक मॉडल पूरे देश में जा सकता है। इसी तरीके से हमारा आज का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे विकास का हो, चाहे आर्थिक हो, इन सबको बेहतर मॉडल बनाएं, और इसके लिए पूरे देश के पंचायत राज, लोकल बॉडी,
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या अलग अलग संस्थाओं का एक साझा नेटवर्क बनाएं और साझे नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म पर डालें कि किस तरीके से उन्होंने अपने गांव के अंदर एक बेहतर आर्थिक मॉडल बनाया, एक बेहतर सामाजिक मॉडल बनाया, एक बेहतर विकास का मॉडल बनाया, ताकि हम भी इस मॉडल को अपना सके। मुझे याद है कि हर क्षेत्र की अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है, लेकिन हम हमारे क्षेत्र के अंदर उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऑर्गेनिक खेती हो, इसके लिए इस तरीके से काम कर सकते हैं ताकि हम संपूर्ण भारत को शिक्षित कर सके, ऑर्गेनिक खेती की दिशा की ओर ले जा सके, हम किस तरीके से स्वास्थ्य का नया मॉडल खड़ा कर सके, क्योंकि आज हमें इस स्वास्थ्य के नए मॉडल को खड़ा करने की आवश्यकता है। कोरोना संकट की इस चुनौती के समय संपूर्ण भारत ने सामूहिकता के संकल्प के साथ किस तरीके से चुनौती को मुकाबला किया पूरे विश्व में देखा है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए देश की 130 करोड़ जनता का आह्वान किया और 130 करोड़ जनता ने सामूहिकता संकल्प के साथ चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे लोकल बॉडी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, तमाम लोगों ने सामूहिकता के संकल्प के साथ काम किया और चुनौती का मुकाबला किया। आज यही सामूहिकता की संकल्प की शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि सारा भारत एक है और हम एक होकर किसी भी चुनौती को मुकाबला कर सकते हैं। साथियों, आज हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत की संसद लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च संस्था है और सर्वोच्च संस्था होने के नाते हम ये गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर लोकतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर हम एक रोल मॉडल की तरह हो सकते हैं, हम एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में हो सकते हैं। और इसके लिए जहां हमारी सर्वोच्च संस्था लोकतंत्र की संसद जो जनता के प्रति जवाबदेही भी बने, पारदर्शिता भी बने, हम कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय कर सके, इसके लिए जब तक हम देश भर की चुनी हुई हर संस्था है जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जिन संस्थाओं में आते हैं उन चुने हुए प्रतिनिधियों को किस तरीके से लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से हम सशक्त लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र करने के लिए क्या हमारी प्रोग्राम होना चाहिए, क्या हमारे सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से हम बेहतर संवाद चर्चा के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उसके बेहतर विकल्प होने चाहिए। इसीलिए हम देशभर की चुनी संस्थाओं को सशक्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही बनाना चाहते हैं और कुशलता और ईमानदारी के साथ हमारे जनप्रतिनिधि जनता के मध्य में रहकर किस तरीके से इन संस्थाओं को ठीक से चला सकते हैं, इसके लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुझे आशा है आज हमने नॉर्थ ईस्ट के इस मेघालय राज्य से जो उत्तर पूर्व भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुंदरता, खनिज का प्रचुर भंडार, यहां के परिश्रमी लोग और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखने वाली इस क्षेत्र की जनता पूरे देश में संदेश दे सकती है कि किस तरीके से हमने लोकल बॉडी संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया, जनता के प्रति जवाबदेह बनाया और जनता की हर समस्या का समाधान हमने इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से निकाला, इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। मुझे आशा है हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था होने के नाते संसद एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को समय समय पर अपनी बेस्ट प्रैक्टिस अपनाने के लिए कार्य योजना बनाती जाए। हमारी प्राइड संस्था इसी तरीके से कार्यक्रम देश भर में आयोजित कर रही है ताकि हम हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, यहां के अधिकारी,
यहाँ के कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सके ताकि देश के लोकतंत्र को और सशक्त बना सके और मजबूत बना सके। इस मौके पर मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसी के साथ खुबलई सुबन मित्र, धन्यवाद। जय हिंद।